हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ रिया और मेरी यूट्यूब चैनल समाधान डेज पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के बारे में, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के बेनिफिट्स के बारे में। ओमेगा 3 फैटी एसिड हम सबके लिए क्यों इतना ज़्यादा फायदेमंद है और हम सब इसको इतना ज़्यादा क्यों इम्पोर्टेंस देते हैं और इसके लिए हम सबको क्यों सप्लीमेंट की ज़रूरत होती है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊँगी इस वीडियो में। फ्रेंड्स, आज के ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, आप इसे बिना स्किप करके एंड तक जरूर देखिए। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो लोग अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो लोग प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबके पास पहुँचते रहे। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को देख लेते हैं। दोस्तों, ओमेगा 3 फैटी एसिड एक एसेंशियल फैटी एसिड है। एसेंशियल का मतलब है जो हमारे शरीर नहीं बना पाते हैं, किसी बाहरी चीजों पर ही वो डिपेंडेंट हो रहे हैं, चाहे वो किसी सब फूड हो या फिर किसी सप्लीमेंट के थ्रू ही क्यों ना पूर्ण कर रहे हैं। आपका शरीर इसे बनाने में सक्षम नहीं होते हैं। जिस तरह हमारे शरीर को अन्य पोषक तत्व की जरूरत होती है, उस तरह ही ओमेगा 3 हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। वैसे तो ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं 11 तरीके के, लेकिन उनमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है 3 प्रकार के, वो है ALA, EPA एंड DHA। दोस्तों, ALA जो होते हैं वो हम पा सकते हैं वेजिटेबल्स एंड फूड्स में, लेकिन हमारे शरीर के लिए जो ज़्यादा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है EPA एंड DHA, वो हम पा सकते हैं एनिमल्स एंड सब फूड्स एंड स्पेशली फैटी फिश से, और पा सकते हैं फ्लैक्सीड ऑयल में भी, यानी कि अलसी के तेल में। फ्लैक्सीड ऑयल के बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है, ज्यादा जानकारी के लिए आप उसे भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, जो लोग फिश नहीं खा पाते हैं या फिर जो लोग फिश खाते हैं लेकिन रेगुलरली नहीं खा पाते हैं, उनके शरीर में धीरे धीरे करके EPA एंड DHA के डिफिशेंसी होने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे ओमेगा 3 फैटी एसिड के 10 बेनिफिट्स के बारे में, तो चलिए जान लेते हैं। पहले हम बात करेंगे अपने हार्ट के बारे में। हार्ट हमारे शरीर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होते हैं जो पाम की तरह काम करते हैं, पौष्टिक तत्व को पूरे शरीर में फैलने में हेल्प करता है। दोस्तों, अगर आप किसी हार्ट डिजीज के पेशेंट हैं या फिर बढ़ती हुई कोलेस्ट्रॉल से परेशान हैं या फिर आपको हार्ट संबंधित किसी भी तरीके के प्रॉब्लम हो, तो आप जल्दी से ओमेगा 3 फैटी एसिड का प्रयोग करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाती है, ब्लड बहने वाली नसों की ब्लॉकेज को कम करती है। अगर ब्लड नसल्स में खून की थपकी बन जाती है तो ये उसे भी गलने में सहायता करती है। गुड कोलेस्ट्रॉल यानी कि HDL को बढ़ाती है और ब्लड कोलेस्ट्रॉल यानी कि LDL को उसे भी कम करने में हेल्प करती है। उसके साथ साथ ये ब्लड प्रेशर और BP पेशेंट वालों के लिए भी बहुत ही फायदेमंद साबित होती है। ये हार्ट से जुड़ी हुई किसी भी तरीके की परेशानियों से रिलीफ पहुँचाता है और सहायता करती है। दूसरा है लीवर। ओमेगा 3 फैटी एसिड का जो बेनिफिट्स है वो है लीवर पेशेंट वालों के लिए। कोलेस्ट्रॉल फ्लक्चुएशन बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है हमारे लीवर के ऊपर, जिस वजह से लीवर के ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम और इश्यूज दिखने को मिलता है। इस वजह से अगर आप ओमेगा 3 फैटी एसिड का प्रयोग करना स्टार्ट कर देते हैं तो आपके शरीर में जो बैड फैट होते हैं वो निकल जाता है, तो आपके जो फैटी लीवर होने के चांसेस है वो बहुत ही कम हो जाते हैं। उसके साथ साथ ये स्टोमक का भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बहुत ही सहायता करती है और पाचन तंत्र को भी मजबूत बनाता है। अगर किसी को गैस्ट्रिक्स एंड एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है, ये उसमें भी बहुत ही काम करने में सहायता करती है। तीसरा है हमारे ब्रेन के बेनिफिट्स के ऊपर। आप या फिर आपके घर के किसी भी मेंबर अगर ब्रेन की प्रॉब्लम से परेशान है, जैसे कि एंजाइटी, डिप्रेशन या फिर ज़्यादा टेंस करना, ऑफिशियल या फिर घर के काम करने की वजह से मेंटली प्रेशर बढ़ जाना, या फिर स्टूडेंट्स को स्टूडेंट लाइफ में ज़्यादा स्टडीज करने की वजह से प्रेशराइज हो रहे हैं, तो इन सब प्रॉब्लम में आप ओमेगा 3 फैटी एसिड का सेवन कर सकते हैं। चौथा, हम बात करेंगे मसल पेंस एंड जॉइंट पेंस के बारे में। मसल पेंस एंड जॉइंट पेंस आजकल लगभग सभी को ही होते रहते हैं, चाहे वो बुजुर्ग हो या फिर यंग जनरेशन हो। मसल पेंस और
जॉइंट पेन से भुगतना पड़ता ही है। अगर आपको या फिर आपके घर के मेंबर्स में किसी को भी इस तरह की प्रॉब्लम हो तो आप ओमेगा 3 फैटी एसिड का स्टार्ट कर सकते हैं। ये आपके कार्टिलेज को इम्प्रूव करेगा। जो इंस्टेफेंस आ रहे हैं या फिर ऑर्थराइटिस है, ये इन सबको ही ठीक करेगा। इसमें इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज रहने की वजह से ये किसी भी प्रकार के जॉइंट पेन या फिर ऑर्थराइटिस में बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। ये पेन को रिड्यूस करने में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। अब हम बात करेंगे आई बेनिफिट्स के बारे में, जैसे कि आंखों में कम दिखना, धुंधला दिखना, छोटे अक्षर को नहीं पहचानना। ओल्ड एज पीपल को बहुत सारे इश्यूज होते रहते हैं। आजकल के छोटे बच्चे लोग होते हैं, उनको बहुत ही छोटे उम्र में ही चश्मा लगाने पड़ते हैं। या फिर आंखों से संबंधित किसी भी तरह के जो प्रॉब्लम क्यों ना हो, आप इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड का सेवन स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑटो इम्यून डिसीज के ऊपर। दोस्तों, अगर आपके घर में ऑटो इम्यून डिसीज की प्रेजेंट है, जिसको आपके शरीर में खुद की जो डिफिशेंसी है उसके एगेंस्ट काम करने लगते हैं, चाहे वो ऑर्थराइटिस हो, सोसोराइटिस हो, बहुत तरीके के ऑटो इम्यून डिसीज होते रहते हैं, तो कहीं अगर आपके घर में ऑटो इम्यून डिसीज से सफ़र कोई है तो उसे ओमेगा 3 फैटी एसिड का देना शुरू कर दीजिए। इस ओमेगा 3 फैटी एसिड में एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज रहने की वजह से ये जॉइंट पेन में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित होती है। इस वजह से ये इस तरह की इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने में हेल्प करता है और जॉइंट पेन को भी रिमूव करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होती है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे स्किन के बारे में। ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारे स्किन को डिहाइड्रेट करता है, स्किन क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी गुण रहने की वजह से ये एंटी एजिंग की तरह काम करते हैं, झुर्रियों को कम करता है, रिंकल्स को रिड्यूस करता है और आपकी स्किन को यंग बनाए रखने में, यानी कि आपको यंग बनाए रखने में हेल्प करता है। उसके साथ साथ ये एक्ने, पिंपल, किल, मुहासे जैसी प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने में बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होती है और आपको प्रोवाइड करता है एक नेचुरल ब्यूटीफुल लुक। इसके बाद हम बात करेंगे अपने हेयर के बारे में। दोस्तों, ओमेगा 3 जो फैटी एसिड होते हैं, ये आपकी फॉलिकल्स को ग्रो करने में, यानी कि जनरेट करने में बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होते हैं। तो अगर आपके बहुत ज़्यादा बाल झड़े हैं या फिर आपके घर में फैमिली हिस्ट्री है बाल झड़ने का, टकलापन का या फिर गंजेपन का, या फिर किसी भी कारण की वजह से आपके बाल बहुत ही ज़्यादा झड़ रहे हैं, तो आप इसमें भी ओमेगा 3 फैटी एसिड का सेवन करना जल्दी से स्टार्ट कर सकते हैं। ये इनमें भी बहुत ही फायदेमंद साबित होती है और नए बालों को उगने में और हेयर ग्रोथ में भी ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित होती है। इसके बाद हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी में ओमेगा 3 के बेनिफिट्स के बारे में। तो दोस्तों, ज़्यादातर देखा गया है कि जो कपल्स होते हैं उनमें जो इनफर्टिलिटीज इश्यूज होते हैं, इसके प्रॉब्लम्स होते हैं, इनफर्टिलिटीज के प्रॉब्लम से सफ़र होते हैं, वो महिलाएं कॉन्सीव नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप ये ओमेगा 3 फैटी एसिड का सेवन करना स्टार्ट कर देते हैं तो इस तरह के प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। अगर आप इससे सफर है तो हो सकता है कि आप कुछ बिना मेडिसिन का इस्तेमाल करके ही इनफर्टिलिटीज की इन कंडीशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे वेट गेन के बारे में। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपना वेट गेन करना चाहते हैं, बढ़ती हुई वजन की वजह से बहुत ही परेशान रहते हैं, तो आप लोग जल्दी से ओमेगा 3 फैटी एसिड का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दीजिए। ये वेट लूज करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होती है। तो दोस्तों, अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहे होंगे कि आपको इन सभी प्रॉब्लम से बचने के लिए कौन से सप्लीमेंट को यूज करना चाहिए। तो मैं तो ये रिकमेंड करूंगी कि आप लोग जरूर निश्चित होकर वेस्टेज का फ्लैक्सीड ऑयल का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि वेस्टेज फ्लैक्सीड ऑयल में भरपूर मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाए जाते हैं, जो बने हैं अलसी के तेल से, यानी कि तीसी के तेल से। क्योंकि ये अलसी के तेल से बने हुए हैं तो इसे हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। जो लोग वेज खाते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, जो लोग नॉन वेज खाते हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे आप मछली खाएं या ना खाएं, लेकिन आप फ्लैक्सीड जरूर खा सकते हैं और आप इस वेस्टेज फ्लैक्सीड ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग जरूर इस वेस्टेज फ्लैक्सीड ऑयल का इस्तेमाल करें और स्वस्थ एंड सेहतमंद रहें। तो फ्रेंड्स, आज यही तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरी वीडियो आप सभी को पसंद आई है तो आप लोग जरूर मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके साथ साथ मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करना तो मत भूलिए। So friends, thanks for watching this video.